हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आ गई हूँ मैगी और ब्रेड की बहुत ही आसान से नाश्ते की रेसिपी, जो कि मिनटों में बन जाती है, खाने में बहुत ही ज़्यादा चटपटी और टेस्टी लगती है। तो चलिए झटपट से रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैगी ले ली है और दो ब्रेड ले लिए हैं। आज का नाश्ता बच्चों को खूब पसंद आने वाला है, क्योंकि बच्चों की फेवरेट चीज़ें इसमें जाने वाली हैं। तो ब्रेड को अभी हम साइड में रख देते हैं, चलिए मैगी को सबसे पहले बना लेते हैं। तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, जैसे नॉर्मली हम मैगी को बनाते हैं उसी तरह से आपको मैगी को बना लेना है। तो यहाँ पर पानी में उबाल आते ही मैंने इसमें मैगी वाला मसाला डाल दिया है। उसके बाद डाल देंगे मैगी का नूडल और इसे पका लेंगे। आपके घर में आप भी और बच्चे भी एक ही तरह से सैंडविच खा खा के बोर हो चुके होंगे। आज की रेसिपी बिल्कुल नई है, बिल्कुल यूनिक है और बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम चीज़ों से बन जाती है, बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। कभी भी बच्चे मांगे उन्हें फटाफट से आप बनाकर दे सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ही हमारी मैगी बन गई है। तो जिस पॉट में हमने मैगी को बनाया है उसी में ठंडा होने देते हैं, ज़्यादा बर्तन क्यों जूठे करना है। अब आ जाते हैं ब्रेड की तरफ। दोनों ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना है, इन्हें कट करना है। देखिए किस तरह से आपको इन्हें कट करना है। साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए इन्हें स्क्वायर शेप में बीच से कट कर लेना है आपको। ब्रेड को मैंने कट कर लिया है, देखिए इस तरह से आपको बीच वाला पार्ट निकाल लेना है। तो इसी तरह से हमें दोनों ब्रेड को तैयार कर लेना है कट करके। ब्रेड को कट करने के बाद अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर एक तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हमारी मैगी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तवे का फ्लेम लो पे कर देंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच बटर। मैं यहाँ पे बटर में ब्रेड को सेकने वाली हूँ, आप चाहे तो तेल या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। अब जो ब्रेड के साइड वाला पार्ट हमने निकाला था कट करके, उसे डाल देंगे तवे पे। ब्रेड के साइड वाले पीस को तवे पे रखने के बाद इसके सेंटर में, यानी कि खाली जो जगह है ब्रेड में, उसमें डाल देंगे मैगी। यहाँ पे हमें मैगी की लेयर बनानी है, तो अच्छे से मैगी को फैला लेंगे। रेसिपी काफ़ी ज़्यादा नई और यूनिक सी है, तो वीडियो में बने रहें। तो देखिए, ब्रेड में सेंटर में मैगी की लेयर मैंने लगा दी है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़। तो मैं यहाँ पे 2 तरह का चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ इसमें लेयरिंग के लिए। पहले डालूंगी इस तरह से ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ को अच्छे से फैला दिया है। इसके बाद ऊपर से डालूंगी मैं मैगी मसाला मैजिक, जिससे कि इसका टेस्ट 4 गुना तक बढ़ जाता है। बट आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं घर वाले कुछ मसाले ऐड करके, जैसे कि चाट मसाला, गरम मसाला, काली मिर्च पाउडर। मसाले मैजिक को डालने के बाद ऊपर से एक एक चीज़ का स्लाइस रख दूंगी। तो मैंने बोला था यहाँ पे 2 तरह का चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मनपसंद कोई भी चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तरह के चीज़ से भी इसे बना सकते हैं। स्लाइस चीज़ रखने के बाद जो कटा हुआ भाग था ब्रेड का बीच वाला, उसे रख देंगे ऊपर से। इस तरह से ब्रेड का पीस ऊपर से रखने के बाद हल्का हल्का सा दबा देंगे और लो फ्लेम पे तब तक सेकेंगे जब तक कि नीचे से क्रिस्पी सी मैगी सेक नहीं जाती। 1 से 1.5 मिनट तक लो फ्लेम पे सेक लिया है नीचे के साइड से। अब क्या करेंगे, दूसरे साइड भी थोड़ा सा बटर डाल लेंगे और इसे पलट लेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे से क्रिस्पी सी मैगी की लेयर बन चुकी है। दबा दबा के दोनों को अच्छे से दूसरे साइड से भी सेक लेंगे हल्का क्रिस्पी होने तक। तो देखिए, दबा दबा के दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने सेक लिया है और ये काफ़ी अच्छे से सेक चुका है, ये रेडी हो चुका है। तो इसे मैं निकाल लूँगी, कट करके आपको दिखाती हूँ अंदर से ये कैसा दिखाई देता है। सबसे आसान, सबसे यूनिक, सबसे टेस्टी ये सैंडविच की रेसिपी है। इसमें है क्रिस्पी सी मैगी की लेयर और अंदर से इतना ज़्यादा चीज़ी कि बड़े से बच्चे तक उंगलियाँ चाट जाएंगे। बैचलर हैं, अकेले रहते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है आपके लिए। छोटी मोटी भूख, बच्चों का लंच बॉक्स, सभी में आप इसे बनाकर दे सकते हैं। सुबह का ब्रेकफास्ट हो, फटाफट से बनाएं और सर्व करें। तो जाइए झटपट से रेसिपी को ट्राई कीजिए। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।